Hello students, so today in this video we are gonna discuss about blood, which is a very essential fluid of the life. The topic blood comes under the subject hematology. If we will break the word hematology in two parts, we get a word hemato and the second word logy. The word hemat in Greek means blood, while logy means study. So collectively we can say that hematology is the study of blood, its components and related disorders. So let's begin with the video. As we know, to study hematology we need to understand in more detailed and concise form about blood. So in this slide you can see here it is written that blood is the fluid of life. Blood is the fluid of life because when a life originates, the essential and the first formal part which is formed in any human being or living organism is blood. Moving on, let's just understand that what all the topics we are gonna study in this video. पढ़ते हैं, समझते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. So in today's video, we are gonna study or discuss about the understanding of blood, or we can say the introduction of blood. Secondly, हम इस वीडियो में कवर करेंगे physical characteristics of blood, यानी कि physical properties जो होती हैं blood की, वो क्या होती हैं, कि आप physically blood को देखकर या physical test कुछ perform करके blood के बारे में क्या बता सकते हैं. Next हम देखेंगे composition of blood, यानी कि ब्लड के कंटेंट जो हैं वो क्या होते हैं, किन कंटेंट से मिलकर, किन कंपोनेंट से मिलकर ब्लड बना है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि कौन कौन से फंक्शंस ब्लड परफॉर्म करता है, या ब्लड का क्या रोल होता है, या क्या इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जो ब्लड हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेल्स हैं, सेल्युलर कंपोजिशन यानी कि ब्लड की, वो कैसी होती है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या है, ये सब हम सेल्स ऑफ ब्लड में पढ़ेंगे. तो ब्लड के तीन तरह के सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स. ये तीनों ही क्या हैं, ब्लड के सेल्स हैं. इन सब को भी हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या डिटेल्स हैं, क्या इन सब चीज़ों के बारे में, कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो ब्लड के सेल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में आपका कवर करेंगे, फोकस करेंगे ब्लड पर ही. नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन, द कलर्ड पिगमेंट, कि जो कलर पिगमेंट है ब्लड में हीमोग्लोबिन, उसका क्या रोल है, क्या होता है हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, ठीक, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरम एंड प्लाज्मा, वी विल फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द सीरम एंड प्लाज्मा. इन द वीडियो वी विल कवर व्हाट इज सीरम, व्हाट इज प्लाज्मा and also the difference between these two elements of the blood. In the end, we will discuss about hematopoiesis, which is called the formation of blood. Blood formation, ki blood ke jo cells hain, wo kaise ban rahe hain, uske baare mein bhi hum discuss karenge. So, these are all the contents of our video, कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो, स्टार्ट करते हैं.
So starting with the introduction of blood, or I can say that what is the definition of blood? So as we can see as well as we can tell about blood, that blood is a red colored fluid. It is made up of connective tissue and it flows throughout our body. So we can say that blood is a red colored fluid which is made up of connective tissues and which flows throughout our body. Blood is conducted through the arteries and veins in our body. ब्लड जो है वो एक रेड कलर का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और ये कंडक्ट होता है, यानी कि ये बहता है हमारी ब्लड वेसल्स में जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो ब्लड का हीम या हेमाटो वर्ड लिया गया है ब्लड के लिए, साइंटिफिक वर्ड, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ब्लड। ब्लड जो है वो अकाउंट करता है हमारी बॉडी के अराउंड 8% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि आपकी बॉडी का जो वेट है उसका 8% या 7-8% वो किसकी वजह से है? ब्लड की वजह से है। अगर एवरेज अडल्ट में वॉल्यूम की बात करें कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड किसी एवरेज अडल्ट में बहता है या एवरेज अडल्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो वॉल्यूम है आपकी 5 liters. अराउंड 5 liters ब्लड इज प्रेजेंट इन एन एवरेज अडल्ट ऑन एन एवरेज बेसिस। जो ब्लड है उसको लाइफ सस्टेनिंग फ्लूड या फिर वाइटल फ्लूड भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करना, हमारी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट रखना, ये सब काम ब्लड परफॉर्म करता है। इसीलिए हम बहुत ही वाइटल और लाइफ सस्टेनिंग फ्लूड भी इसको कहा जाता है। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि ब्लड को देखकर, बाय सीइंग द ब्लड और बाय परफॉर्मिंग सम ऑफ द फिजिकल टेस्ट, हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड कैसा होता है, वो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज कहलाता है। सो यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन देखेंगे ब्लड की, कि ब्लड क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें कि ब्लड के सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं आपके प्लाज्मा में। सो हेयर वी कैन से दैट ब्लड इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं प्लाज्मा में। ऑलराइट, अब डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। तो अभी बताया था 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट जो है वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ब्लड की है। यानी कि 8% जो टोटल बॉडी वेट है उसमें 8% किसकी वजह से है? ब्लड की वजह से है, जो कि रफली हम एवरेज अडल्ट में कह सकते हैं 5 liters होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के पीएच की। तो ब्लड का पीएच जो है वो अराउंड 7.4 होता है। अराउंड 7.4 पीएच जो होता है वो होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, हाइड्रोजन आयन की पावर। ठीक, तो ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 है। ब्लड अगर हम पीएच की बात करें तो आप देखते हैं पीएच स्केल 3 parts में डिवाइडेड रहता है। 0 to 6.9 तक पीएच को क्या कहा जाता है? एसिडिक कहा जाता है। नेक्स्ट 7 जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल, और 7.1 से लेकर जो 14 तक पीएच है वो आपका होता है अल्कलाइन या फिर बेसिक। ऑलराइट, सो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि ब्लड का पीएच जो है वो अराउंड 7.4 है, हम कह सकते हैं कि ब्लड की नेचर कैसी है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ब्लड अल्कलाइन है नेचर में। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, अगर आप
वाटर से इसका कंपैरिजन करें तो ब्लड जो है वो स्लाइटली डेंसर और मोर विस्कस होता है, अराउंड 5 times ज़्यादा ब्लड की डेंसिटी और विस्कोसिटी होती है वाटर से। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अपियरेंस की बात करें कि देखने में ब्लड कैसा दिखाई देता है, तो ब्लड इज ओपेक इन नेचर, यानी कि इसके आर पार आप सी थ्रू नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट सी थ्रू द ब्लड, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट ब्लड इज ओपेक इन नेचर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ ब्लड, कलर जो होता है ब्लड जो है, अभी हमने बात करी थी कि वो आर्टरीज में भी फ्लो करता है और क्या करता है वेन्स में भी फ्लो करता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स जो है वो कंडक्ट करती हैं ब्लड को, तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन रहती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से जो आर्टेरियल ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है ब्राइट रेड कलर का, यानी कि चमकते हुए रेड कलर का ब्लड जो होगा वो आपका क्या है चमकते हुए रेड कलर का ब्राइट रेड आपका है आर्टेरियल ब्लड। जबकि जो वेनस ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है, वेनस ब्लड आपका जो है वो डार्क रेड कलर का दिखाई देता है, डार्क रेड कलर का वेनस ब्लड दिखाई देता है। क्यों डार्क रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये वेन्स में फ्लो कर रहा होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो ब्लड का कलर है वो डार्क रेड हो जाता है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। सो ह्यूमन ब्लड जो है वो कंपोज होता है, ह्यूमन ब्लड में आप क्या होता है ब्लड के सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। अभी आपने इससे पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो ब्लड क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, जिसमें कि ब्लड के जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं किसमें लिक्विड एलिमेंट में। सो हम ब्लड की कंपोजिशन को अगर एक ग्राफिकल फॉर्म में, अगर एक टैबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें दो तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक सेल्स हैं और दूसरा लिक्विड है जिसमें कि ये सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। जो ब्लड का लिक्विड प्रेजेंट है, जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। ऑलराइट, जो ब्लड के सेल्स हैं वो 3 के होते हैं, RBCs, WBCs और आपके प्लेटलेट्स। सो वी कैन से दैट ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स और साइट्स विच आर सस्पेंडेड इन लिक्विड, विच इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहा जाता है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, अब अगर बात करें कि परसेंटेज की कि कितना अमाउंट ऑफ सेल्स और लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में सेल्स जो है टोटल ब्लड के 45% जो होता है वो सेल होता है और लिक्विड पार्ट ब्लड में कितना प्रेजेंट रहता है 55%। हेयर यू कैन ऑल्सो सी दैट 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड 55% ऑफ प्लाज्मा। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज इन ग्रीक लैंग्वेज इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल, सो इरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज RBCs। WBCs आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूक मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल, सो WBC कैन बी टर्म्ड और रेफर्ड एज ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन इन दीज सेल्स। आई होप दिस इज क्लियर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर द इट इज शोन दैट ब्लड इज कंडक्टेड इन द आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड कंसिस्ट ऑफ दीज 3 ऑफ सेल्स RBCs, notably RBCs, WBCs and the platelets. The shape of RBCs is shown to you.
the shape of WBCs are shown to you, and the shape of platelets is also shown to you here. Moving on to the next section, talking about the composition of plasma, or what is actually plasma, ki plasma hota kya hai. So plasma humne padha ki plasma kya hai, liquid component hai blood ka. To blood mein jo liquid component hai, jo aapka jiski density kam hai aur cells se, to wo kya hai, प्लाज्मा है. प्लाज्मा जो होता है आपका, वो स्ट्रॉ येलो कलर का कंपाउंड होता है, लिक्विड होता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है. स्ट्रॉ येलो का मतलब यहाँ पर है कि लाइट येलो कलर का जो लिक्विड कंपोनेंट ब्लड में मिल रहा है, वो क्या है, प्लाज्मा है. प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन की बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा आपका बना होता है 92% वाटर का, और इसमें जो 8% हैं वो रहते हैं आपके डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, यानी कि घुले हुए चीज़ें. ठीक, प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 92% वाटर एंड 8% डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस. द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस और द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इंक्लूड सीरम अल्बुमिन, प्रोटीन, there can be blood clotting factors, various other proteins and electrolytes like sodium and potassium. These are also present in the plasma. So, अगर blood को देखें तो हमें blood, अगर हम किसी tube में या vial में blood को collect करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का blood मिलता है. लेकिन जब हम एक centrifuge नाम की machine में, there is a machine, an instrument called centrifuge, in which we put the vials or tubes of the blood and we begin to rotate it at a higher speed. When we rotate the blood tubes at a higher speed, the cells of the blood, which are more dense than the liquid components, settle down at the bottom, while the liquid component of blood, which is less denser than the cells, separates at the above. The separated fluid of the blood is called as plasma. Plasma word की अगर बात करें तो plasma का मतलब होता है gel या फिर jelly like appearance की चीज. तो gel या jelly like की appearance जो है वो क्या है, plasma है. ये हमें clear हो गया. I guess the composition of blood is now clear and we can move to the next section. Now talking about the functions of blood, ki blood jo hai wo kya kya functions ko perform karta hai. So blood performs various important functions in the body. Bahut sare important functions jo hai blood body mein wo blood perform karta hai. Sabse pehla transportation, second one is protection, third is regulation, fourth one is the removal of toxic element, and fifth is the formation of clot. Blood जो है ये अलग अलग type के functions जो बहुत important हैं, vital हैं हमारी body में, इनको perform करता है. Moving on, इन सभी functions को detail में study करते हैं कि क्या ये functions कैसे perform करता है, क्या functions होते हैं. So first one is the transportation. Transportation की बात करें कि transportation blood body में किन चीज़ों की transportation कर रहा है, या किन elements को ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है. तो सबसे पहला जो function है transportation में, वो है transportation of respiratory gases. जो respiratory gases हैं उनका transport blood करता है हमारी body में. Respiratory gases कौन कौन सी होती हैं? अब रेस्पिरेटरी गैसेस आपकी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. यहाँ पर ब्लड क्या काम करता है? वाइस वर्सा काम करता है. हम कैसे कह सकते हैं, वाइस एंड वर्सा काम है ब्लड का. कैसे है वाइस एंड वर्सा? कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और इस ऑक्सीजन को बॉडी लंग्स से टिश्यूज तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है. ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाता है, फिर वापस वहां से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ बाइंड करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाने का
काम करता है. सो वी कैन से दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड वाइस एंड वर्सा. नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड जो परफॉर्म करता है वो करता है न्यूट्रिएंट्स का. तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टोरेज साइट्स हैं, वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है. डाइजेशन की प्रोसेस होने पे क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत वाइटल हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट स्टोरेज साइट्स पे स्टोर करती है. अब ब्लड क्या करता है, ब्लड में RBCs क्या करते हैं, इन टिश्यूज से, इन टिश्यू इन स्टोरेज साइट से जो भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, हर एक टिश्यूज तक पहुंचाने का काम क्या करते हैं, RBCs जो कि ब्लड के सेल्स हैं. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टोरेज साइट्स टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉर्मोन्स. ब्लड क्या करता है, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है. हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं टारगेट सेल्स पे अपने और डिफरेंट जगह पर जाकर जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये अपना फंक्शन या रोल को परफॉर्म करते हैं. प्रोड्यूस कहीं और होते हैं लेकिन जो अपना एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, ये परफॉर्म करते हैं टू एट द डिफरेंट टारगेट सेल्स. तो इन हॉर्मोन्स के जो इनकी साइट्स हैं जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से डिफरेंट टू देयर टारगेट सेल्स पहुँचाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है. नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन ब्लड का क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है कि ब्लड प्रोटेक्शन है. प्रोटेक्शन ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है. ब्लड जो भी आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम है वो सबसे पहली जो एंट्री करता है वो ब्लड के सेल्स ही करते हैं. मेनली जो ब्लड के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं वो आपके WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं. ल्यूकोसाइट्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. They are the first line of defense for the protection of body. Whenever any foreign antigen enters into our body, the foreign antigen could be anything like bacteria, virus, protozoa, fungus, parasite, algae, or any foreign object. When the foreign antigen enters inside our body, the first line of defense is the WBCs. WBCs go at the site of entry of foreign antigen and start destroying them by their different actions. So, blood ke cells hi kya kar rahe hain, aapko protect karne ka kaam kar rahe hain. नेक्स्ट प्रोटेक्शन में ही काम क्या करते हैं, ब्लड में जो एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी पैथोजेनिक सब्सटेंसेस को किल करने का काम करते हैं. सो अनदर फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन्स दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड. थर्ड फंक्शन अभी परफॉर्म करते हैं रेगुलेशन का ब्लड. ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स को, डिफरेंट प्रोसेसेस को जो हमारी बॉडी में चल रही होती हैं. सबसे पहली बात करते हैं पीएच की. तो पीएच को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है. पीएच को रेगुलेट करने का काम कैसे करता है कि ब्लड एक्ट एज बफर. ब्लड क्या करता है, बफर की तरह काम करता है बाय मेंटेनिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट रेगुलेशन का काम करता है कि हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है. जो टिश्यूज़ हैं अगर उसमें एक्सेस वाटर है तो उसको ड्रेन ऑफ करता है, और जो टिश्यूज़ हैं जिनमें कम वाटर है, विच आर लैकिंग वाटर, उनमें वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करता है. सो रेगुलेशन में फर्स्ट फंक्शन हो गया पीएच रेगुलेशन, सेकेंड फंक्शन हो गया वाटर बैलेंस, थर्ड फंक्शन जो है जो ब्लड रेगुलेशन का परफॉर्म करता है वो है होमियोस्टेसिस की मैकेनिज्म को.
आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस की प्रोसेस चलती है, जिसके थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन के से इम्पैक्टेड नहीं रहता है और आपका टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करता है रहता है, वेदर इट इज़ कोल्ड और वेदर इट इज़ हॉट। तो होम्योस्टेसिस को भी परफॉर्म करने का काम कौन करता है आपकी बॉडी में? ब्लड ही करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड, नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। टॉक्सिक एलिमेंट्स को बॉडी से हटाने का काम, जैसे जो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हुआ, डाइजेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होते हैं। इन वेस्ट मटेरियल को किडनी तक ट्रांसफर करने का काम ब्लड करता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। ब्लड क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनीज और लिवर तक लाता है, फिर किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको आउट ऑफ द बॉडी करती है और जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको अगेन स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। At the time of injury, when blood starts to flow from your body and it shed off from your body, what happens? The platelets present in the blood helps in the formation of blood clot, helping in the coagulation process. Coagulation की process होती है कि clot को बनाना। जब भी कोई इंजरी हो तो इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं और ब्लड स्टार्ट करता है आपकी बॉडी से शेड ऑफ होना। तो इस टाइम पर जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड को वेस्ट ना कर दे, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नाम के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या इनका एक्शन होता है? क्लॉट फॉर्मेशन का, यानी कि खून के थक्के को जमाने का। So this is all about the functions of blood. Moving on to the next slide. Now talking about the composition of blood, की blood की composition क्या थी, हमने अभी discuss भी किया था कि blood में तीन तरह के cells present होते हैं, erythrocytes, leukocytes and the platelets. Erythrocytes, leukocytes and the platelets, जिनको कि formed elements भी कहा जा सकता है। हम कहते हैं कि ये क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इन्हीं सेल्स के बारे में अब हमें डिस्कस करना है कि ब्लड के जो सेल्स हैं, सेलुलर कंपोजिशन है, वो क्या होती है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सो नेम्ड बिकॉज द सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा एंड दीज सेल्स हैव अ डेफिनेट और पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर। So that's why these cells are called as formed elements. Platelets don't have a regular shape, but erythrocytes and leukocytes, they have a regular shape, they have a definite shape. That's why the cells of the blood are called as formed elements. Moving on, let's just study the cells of the blood in detail. Talking about erythrocytes, the first cells of the blood, erythrocytes are called also known as red blood cells. The red blood cells are produced in the bone marrow. Bone marrow is the organ which is responsible for the production of the blood cells. ब्लड के सेल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है। इट इज़ एन ऑर्गन, इट इज़ अ कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो हैं हमारी, उनके बीच की जो कैविटी होती है उसको बोन मैरो कहते हैं। सो बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। नाउ Talking about the morphology of RBC, morphology is the study and is the study of shape and size. So RBCs की shape और size को देख लेते हैं। जो RBCs की shape होती है, first let's discuss about the shape. जो RBC की shape है वो y concave disc shape होती है with indented center. अगर आप किसी बुक में देखें या फिर माइक्रोस्कोप में जब हम RBCs को देखते हैं तो कुछ 3D structure इस तरह का दिखता है
कि आरबीसीज आपको सर्कुलर दिखते हैं, जिनमें कि ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ये क्या रहता है, इंडेंटेड स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है आपका वो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर आपको लाइट दिखता है, ये हल्का दिखता है बीच वाला पार्ट, तो इंडेंटेड सेंटर आता है। बट ये जो है ये आपका फ्रंट व्यू होता है आरबीसीज का। आरबीसीज की एक्चुअल शेप जो है वो है आपकी बाइकॉनकेव डिस्क शेप सेल्स। इस तरीके से आरबीसी की शेप दिखाई देती है कि आरबीसीज कैसे दिख रहे हैं आपके, आरबीसीज इसमें कैसे दिखते हैं आपके, आरबीसीज आपके दो कॉनकेव सेल्स को आपस में जोड़ दिया गया हो, इस तरीके से बाइकॉनकेव शेप आरबीसीज की दिखाई देती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज, साइज की बात करें तो डायमीटर में ये 7.2 से 7.4 माइक्रॉन्स होते हैं, जबकि थिकनेस में जो आरबीसीज हैं अगर वो 2.2 टू 2.3 माइक्रोमीटर होते हैं। ये हो गया डायमीटर, ये वाला साइज है आरबीसीज का 7.2 से 7.4 माइक्रॉन्स, और थिकनेस की बात करें अगर चौड़ाई की, वो है 2.2 टू 2.3 माइक्रॉन्स। शेप क्लियर हो गई कि बाइकॉनकेव डिस्क शेप के सेल्स होते हैं, ये आपके स्फेरिकल या फिर ओवल नहीं होते हैं, जैसा कि बुक्स या फिर माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। जो बुक्स और माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है वो फ्रंट व्यू दिखाया जाता है। मूविंग ऑन टू द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज तक हमारी बॉडी में जो आरबीसीज हैं वो आपका सर्कुलेट करते हैं, आफ्टर विच ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, डेड हो जाते हैं, एंड इनको मैक्रोफेजेस नाम के सेल्स ट्रांसपोर्ट कर देते हैं स्प्लीन में। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज का पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। आरबीसीज रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी एक नॉर्मल रेंज होती है जिसमें कि वो होते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज अपनी अपर रेंज से इंक्रीज होती है या लोअर रेंज से डिक्रीज होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिसफंक्शन करना स्टार्ट करती है, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज मेल्स में प्रेजेंट होते हैं 4.5 से 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम, इन फीमेल्स इट इज 3.5 टू 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम इन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड, बहुत स्मॉल ड्रॉप है ब्लड की 1 mm क्यूब, उसमें आपके मिलियंस ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। मूविंग ऑन टू द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। सो WBCs क्या होते हैं, बेसिकली WBCs आर फाइव टाइप्स, WBCs फाइव टाइप्स के होते हैं, जिनको कि क्लासीफाई किया जाता है दो क्लासेस में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि WBC की क्लासिफिकेशन को हम ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट इन ब्लड। सो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ WBCs, दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू क्लासेस, जो डिफ्रेंशिएशन है वो दो क्लासेस में है, बट जो टाइप्स हैं वो फाइव टाइप्स के हैं। सो दो क्लासेस जो हैं वो उसके बेसिस पर हैं कि किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, ये भी क्लियर कर देते हैं कि बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में या फिर नहीं, इसके बेसिस पर WBCs का क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रैन्यूलोसाइट्स और ए ग्रैन्यूलोसाइट्स में। सो ग्रैन्यूलोसाइट्स कौन से सेल हैं, ग्रैन्यूलोसाइट में तीन तरह के सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और बेसोफिल, आपके सेकंड क्या, थर्ड क्या है, बेसोफिल हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स या WBCs कितने क्लासेस में क्लासिफाई हैं, ग्रैन्यूलोसाइट और शॉर्ट में लिखते हैं
ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स वो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज के जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हैं, ग्रैन्यूल्स यानी कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स वो सेल हैं जिनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, कोई भी ग्रैन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है। ये डिफरेंस है ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट में। आप देख सकते हैं कि जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, जबकि जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में क्या है, डॉट्स प्रेजेंट है। नाउ जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, नेमली न्यूट्रोफिल, द ईजनोफिल एंड बेसोफिल। वाइल ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज द मोनोसाइट। ऑलराइट, डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ फाइव टाइप्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल, ईजनोफिल एंड द बेसोफिल, वाइल ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यू कैन सी इन दिस स्लाइड ऑल्सो द न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, वाइल ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर टोटल काउंट की बात करें कि टोटल डब्ल्यूबीसीज कितने प्रेजेंट हैं, तो उसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहा जाता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारी बॉडी में होता है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। एक एवरेज अडल्ट में 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। टॉकिंग अबाउट द ल्यूकोसाइट्स इन डिटेल्स, ल्यूकोसाइट्स को डिटेल में डिस्कस करें तो ल्यूकोसाइट्स तीन तरह के हैं, न्यूट्रोफिल, ईजनोफिल, बेसोफिल। ये आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये तीन तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल और बेसोफिल। सो न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर हम शेप की बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल की, कि न्यूट्रोफिल कैसा है, एक शेप बनाकर देखते हैं। न्यूट्रोफिल क्या है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का, और इसमें 3 to 5 लोब्स इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, और साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रैन्यूल्स का कलर होता है न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में वो होता है पर्पल या फिर वॉयलेट कलर के ग्रैन्यूल्स, और न्यूक्लियस जो है वैरायटी ऑफ लोब्स यानी कि 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होती हैं इसके न्यूक्लियस में। जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जब हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो सबसे पहले उसके पास न्यूट्रोफिल्स ही जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन का नाम है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स बॉडी में फैगोसाइटोसिस नाम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, विच मीन्स द एनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। ये फॉरेन पार्टिकल को का एनगल्फमेंट करते हैं, उनको निगल लेते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें न्यूट्रोफिल की, तो ये 2500 to 8000 पर एमएम क्यूब में होते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का अगर टीएलसी का बात करें, तो टीएलसी के 55 to 70% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में। ऑलराइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है शेप को पढ़ना। तो शेप जो है वो इसकी ये है कि इसमें इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपके पर्पल या फिर वॉयलेट कलर के होते हैं। ऑलराइट, इनका काम होता है, फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का। नॉर्मल रेंज है 55 to 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मूविंग ऑन, ईजनोफिल्स की बात करें,
इजनोफिल्स क्या है? इजनोफिल का न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि इजनोफिल के न्यूक्लियस में दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको हेडफोन शेप भी कहते हैं कुछ लोग बाइलोब न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके जो इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पिंकिश ऑरेंज कलर के प्रेजेंट होते हैं। अगर फंक्शन की बात करें, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एलर्जन और करता है कि ये एलर्जन्स जो होते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से एलर्जेंस और पैरासाइट्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो एलर्जी के केसेस में इसनोफिल्स का काउंट आपको इंक्रीज मिलता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स में न्यूक्लियस बड़ा होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है ये दिख नहीं रहा होता है, प्रॉपरली दिखता नहीं है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स विच आर ऑफ वेरी बिग साइज। सो बेसोफिल्स में क्या होता है, बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर ओवरलैपिंग द न्यूक्लियस, ड्यू टू विच द न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपरली सीन, जिसकी वजह से जो बेसोफिल का न्यूक्लियस है उसकी लोब्स दिखाई नहीं देती हैं। तो पेल न्यूक्लियस दिखता है, यूजुअली हिडन बाय ग्रैन्यूल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन नाम के केमिकल को रिलीज करते हैं विच इज नोन टू हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इन्फ्लामेशन के केसेस में, ट्यूमर के केसेस में बेसोफिल्स आपकी बॉडी में इंक्रीज दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये हिस्टामिन नाम के केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्फ्लामेशन के केसेस में हमें बेसोफिल्स बढ़े हुए देखेंगे, 0.5 to 1% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेल्स ऑफ द WBCs आर लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये आपके क्या हैं, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स फंक्शन इज इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। लिम्फोसाइट्स का इम्यूनिटी बिल्ड करने में हमारी फंक्शन होता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, जो कि जिनका काम होता है इम्यून सेल्स को बनाने का और एंटीबॉडीज को बनाने का। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कोई सेल्स देते हैं वो हैं आपके लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज है 1000 to 4000 per mm³ एंड 20 to 40% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर लिम्फोसाइट की शेप की बात करें तो बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है विच इज कवरिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। Now talking about monocyte, these are the largest cells of the WBCs or the largest cells in the whole blood. जो ब्लड में लार्जेस्ट साइज है किसी सेल का वो मोनोसाइट का है। मोनोसाइट की शेप की बात करें तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप या बीन शेप होता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो अबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और रिलेटिवली क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट, मोनोसाइट क्या करते हैं, मोनोसाइट थोड़े टाइम बाद मैक्रोफेजेस नाम के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैक्रोफेजेस सेल्स का काम होता है, कि ये हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है, डाइजेस्टेड पैथोजेंस हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स हैं, इनको हमारी बॉडी से हटाने का काम, रिमूवल का काम मैक्रोफेजेस करते हैं। नॉर्मल रेंज होती है 2 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। So these are the leukocytes of the blood. Next cell of the blood is the thrombocytes. Platelets or thrombocytes भी कहते हैं इनको, platelets भी कहते हैं। Platelets क्या है, tiny fragments होती हैं blood cells की जो कि bone marrow में बनती हैं। जो bone marrow में blood cells बनते हैं उनके जो छोटे छोटे fragments pieces होते हैं वो platelets कहलाते हैं। Size की बात करें तो 2 to 3 micrometer होता है ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे ज़्यादा इसका यही रहेगा। इससे बहुत छोटे छोटे, जो सबसे छोटा सेल है ब्लड का वो आपका प्लेटलेट ही है, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अगर पेरिफेरल स्मीयर की बात करें तो उसमें डॉट शेप जैसे दिखाई देंगे, बट इनकी शेप जो है इरेगुलर शेप होती है, बिकॉज दीज आर द फ्रैगमेंट्स पीसेज हैं, तो इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, पीसेज में दिखाई देते हैं।
फंक्शन थ्रोम्बोसाइट्स का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीमोस्टेसिस में, रिपेयर करते हैं डैमेज्ड ब्लड वेसल्स को, और सेकेंड फंक्शन है इनका कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एट द टाइम ऑफ इंजरी जब ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं और ब्लड शेड होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट आकर एग्रीगेट होते हैं और प्लेटलेट्स एक कॉम्पोनेंट रिलीज करते हैं जिसको कि फिब्रिन कहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिब्रिन के साथ प्लेटलेट एक यहाँ पर क्या बना देते हैं, प्राइमरी प्लग बना देते हैं जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन होती है। बट अकेले प्लेटलेट्स का काम नहीं होता है क्लॉटिंग का, इसके साथ कोगुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं 13 हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जो कि ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लाइफ स्पेन जो है वो नियर अबाउट 10 डेज होता है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट डाइज इन द 10 डेज। नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक एमएम प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन विच इज फाउंड इन द आरबीसी। आरबीसीज में जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आरबीसीज रेड कलर के दिखाई देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। हीमोग्लोबिन कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन या मेटलोप्रोटीन भी कहा जाता है, बिकॉज मेटलोप्रोटीन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स मेटल इन द फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटलोप्रोटीन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोप्रोटीन बिकॉज इट इज अ कलर्ड प्रोटीन, इट हैज कलर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोप्रोटीन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के से बनकर मिलकर बना है, जिनको कि ग्लोबिन चेन्स भी कहा जाता है, विच आर कनेक्टेड टुगेदर। हीमोग्लोबिन की अगर कंपोजिशन की बात करें सबसे पहले, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, फर्स्ट इज द हीम ग्रुप एंड सेकेंड इज द ग्लोबिन ग्रुप। सो हीम ग्रुप आपका किससे बना है, आयरन और पोरफायरिन नाम के मेटल से बना है, तो ये हो गया मेटल पार्ट। और जो नॉन मेटल पार्ट है वो इसका है ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि 4 तरह की चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ग्लोबिन की, ठीक। तो ये हीम मॉलिक्यूल ग्लोबिन के साथ जुड़ता है और हीमोग्लोबिन बनाता है। सो स्ट्रक्चर इसी तरीके से बताया गया है कि 4 ग्लोबिन चेन्स जो हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अलग अलग हीमोग्लोबिन टाइप में अलग अलग चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा भी हो सकती हैं, 2 बीटा 2 गामा, 2 अल्फा 2 गामा हो सकती हैं। सो इस टाइप से क्या रहता है, चेन्स की चेन्स जुड़ी होती हैं आपस में, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं ग्लोबिन चेन्स, जिनमें सिंगल हीम ग्रुप अटैच होता है जिनके साथ। हियर यू कैन सी कि ग्लोबिन चेन्स कंटेन्स इम्पॉर्टेंट आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन कंपाउंड विच इज टर्म्ड एज हीम। सो हीम ग्रुप जुड़ा होता है ग्लोबिन के साथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, की हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो जो आरबीसीज परफॉर्म करते हैं फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सके। सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लंग्स से टिश्यूज तक और टिश्यूज से वापस लंग्स तक। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेंज, की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो 14-18 ग्राम पर डीएल एवरेज मेल्स में होती है, प्लस माइनस 1 ग्राम पर डीएल मिल सकता है आपको किसी किसी बुक्स में, बिकॉज रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं बुक्स की। एडल्ट वुमेन में 12-16 ग्राम पर डीएल होता है। मूविंग ऑन, टाइप की बात करें कि हीमोग्लोबिन की टाइप्स क्या है। तो हीमोग्लोबिन अगर किसी एवरेज अडल्ट में बात करें, तो एवरेज अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन है वो 3 टाइप्स का होता है, HbA1,
HbA2 एंड HbF। ये तीन तरह के हीमोग्लोबिन किसी भी एवरेज अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि A1 और A2 जो होता है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, जबकि HbF जो है वो क्या है आपका फीटल हीमोग्लोबिन है। अडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA1 और HbA2, HbF फीटल हीमोग्लोबिन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फीटस इज प्रोड्यूस्ड, ही ओनली हैव HbA हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ HbF। 96 to 98% किसी भी फीटस में हीमोग्लोबिन F HbF प्रेजेंट होता है। बट धीरे धीरे व्हेन द फीटस कन्वर्ट्स और ट्रांजिशंस इनटू एन एडल्ट और इनटू एन एडोलेसेंट, द हीमोग्लोबिन कंटेंट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम HbF टू HbA, A1 एंड A2। सो इन एवरेज अडल्ट what happens, the HbA1 is present in 96 to 98% HbA2 is present in 2 to 3% and HbF is present in 1 to 2%। so HbF जो है वो क्या रहता है 1 to 2% present रहता है। alright, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि HbA1 जो है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ये HbA1 है, ये आपका 95 to 98% प्रेजेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, तो HbA1 जो है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है, HbA2 जो है वो 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन से मिलकर बना होता है, और जो HbF है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है। परसेंटेज की बात करें तो जो एवरेज अडल्ट है उसमें 95 to 98% HbA1 होता है, 2 to 3% HbA2 होता है, और 1 to 2% क्या होता है HbF होता है। जब फीटस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके प्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेजेंट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की वो HbF होती है, बट जैसे जैसे बर्थ होती है और पर्सन जो है अडल्ट लेवल रीच करता है, विद इन 1 to 2 years ये HbF क्या होता है कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है HbA में, ए मतलब HbA1 और A2 में। सो एवरेज अडल्ट में हायर परसेंटेज HbA1 की हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन बेटर एंड क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड। थैंक यू।